नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप पहली बार हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे कौन कौन सी चीज़ें करनी होती है, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं एक स्मूथ और हैसल फ्री ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से कहा था कि एक कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर भी वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहे हैं तो कितना कुछ अलग होता है, क्या कुछ और एक्स्ट्रा आपको करना पड़ता है इनकेस आप कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं। तो फ्लाइट है हमारी दिल्ली से कोची की, जो कि बैंगलोर होके जाएगी। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इस एयरपोर्ट के एंट्री गेट से लेके दूसरे एयरपोर्ट जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ के एग्जिट होने तक वो सारे स्टेप्स डिटेल में, तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट पहुँचने के बाद जो सबसे पहली चीज़ करनी होती है आपको, वो करना होता है टर्मिनल बिल्डिंग में जो है एंट्री। और एंट्री करने के लिए जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे गेट्स हैं इस टर्मिनल पे, आप चाहे तो किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। एंट्री के टाइम पे जो है CISF स्टाफ आपका टिकट और साथ में एक गवर्नमेंट ID प्रूफ चेक करते हैं, उसके बाद जो है आपको एंट्री मिल जाती है एयरपोर्ट में। एक चीज़ का ध्यान रहे कि आप लोगों का जो टिकट है और गवर्नमेंट ID है दोनों में नाम जो है एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, एंट्री भी करते हैं टर्मिनल बिल्डिंग में और आगे का प्रोसेस, आगे के स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है और उसको कैरी करने में दिक्कत हो रही है तो पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए एयरपोर्ट्स पे ट्रॉलीज मिलती हैं जिनको यूज़ करके आप अपना सामान कैरी कर सकते हैं। इन ट्रॉलीज को यूज़ करने के लिए कोई चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। एयरपोर्ट में एंट्री के समय आप टिकट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी फ़ोन में दिखा सकते हैं, पर गवर्नमेंट ID की ओरिजिनल कॉपी ही शो करनी होती है। दोस्तों, टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री करने के बाद जो सबसे पहला चीज़ आपको करना होता है वो करना होता है आपके सामान का चेक इन, बस साथ में आपको जो है अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना होता है। उसके लिए यहाँ पे जो है चेक इन काउंटर्स बने होते हैं, अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग चेक इन काउंटर्स हैं। जब भी आप एंट्री करेंगे टर्मिनल में, किसी भी गेट से आप एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही आपको सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन दिखाई देगा। उस स्क्रीन पर जो है आपकी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, आपकी फ़्लाइट के टिकट से जो आप मैच कर सकते हैं अपने फ्लाइट का नंबर, उसके साथ आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपके फ्लाइट का जो है चेक इन हो रहा है और उसके हिसाब से जो है आप उस चेक इन काउंटर पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है चेक इन काउंटर जो है अल्फाबेटिकली मेंशनड है, तो जो भी आपके फ्लाइट का चेक इन काउंटर रहेगा आपको वहाँ पर जाना है और चेक इन काउंटर पर जाकर सबसे पहली चीज़ करनी होती है आपको अपना चेक इन बैगेज जो है ड्रॉप करना होता है और वहीं से जो है आपको आपका बोर्डिंग पास मिलता है। प्लस चेक इन काउंटर पे ही आप चाहे तो विंडो सीट के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं, अगर विंडो सीट अवेलेबल होती है तो जनरली स्टाफ आपको अलॉट कर देते हैं और अगर नहीं होती है तो आपको मिडल या फिर आयल सीट जो है लेके ट्रैवल करना होता है। तो मैं भी पहले जाके अपना सामान चेक इन करवाता हूँ, साथ ही साथ बोर्डिंग पास कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे के स्टेप्स बताता हूँ। A little longer than a few minutes later. दोस्तों, चेक इन जो है हमारा हो चुका है और हमने बोर्डिंग पास भी कलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं बोर्डिंग पास कुछ इस तरीके का होता है। बोर्डिंग पास में जो है आपकी फ्लाइट कहाँ से आपको बोर्ड करनी है, कौन से गेट नंबर से, वो मेंशन होता है, साथ ही साथ आपकी सीट नंबर मेंशन होती है, प्लस किस टाइम पे आपका बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके बोर्डिंग पास में मेंशन है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहा हूँ, तो यहाँ से जो हमारी फ़्लाइट है पहले बैंगलोर जाएगी, फिर बैंगलोर से जो है हमें फ़्लाइट चेंज करनी है कोची के लिए। हमारा जो PNR था एयरलाइन जो है सेमी एयर इंडिया एक्सप्रेस की है, तो बोर्डिंग पास, दोनों बोर्डिंग पास जो है हम लोग को यहीं पे मिल गए हैं, विच मीन्स हमारा सामान जो है चेक इन हो चुका है यहाँ पे। और जो चेक इन किया हुआ जो सामान है हम लोग को बैंगलोर में दोबारा कलेक्ट करके दोबारा चेक इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे जब हम लोग कोची में जो है लैंड करेंगे तो वहाँ से जो है हम लोग को अपना चेक इन किया हुआ सामान जो है वहाँ से कलेक्ट करना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, वो ये कि आपका जो चेक इन बैगेज है वो 15 kg से ऊपर का नहीं होना चाहिए। जनरली डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 15 kg की लिमिट होती है। अगर आपको ये जानना है कि हैंड बैगेज और चेक इन बैगेज में अंतर क्या है, प्लस क्या क्या चीज़ आप चेक इन बैगेज में कैरी नहीं कर सकते हैं या कौन सी चीज़ें आप हैंड बैगेज में कैरी नहीं कर सकते हैं, तो उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझाया कि चेक इन और हैंड बैगेज होता क्या है, कौन कौन से आइटम आप कैरी कर सकते हैं, क्या लिमिट होती है,
सारी चीजें मैंने डिटेल में बना रखी है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो बैगेज से रिलेटेड तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, ताकि जो भी आपके मन में डाउट्स हो बैगेज से रिलेटेड वो सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाए। और दोस्तों, बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है सिक्योरिटी चेक का। तो बोर्डिंग पास कलेक्ट करके आपको अपने हैंड बैगेज के साथ सिक्योरिटी चेक में जाना होता है, और सिक्योरिटी चेक में जो है आपका हैंड बैगेज वगैरह स्कैनिंग वगैरह होती है, सिक्योरिटी वगैरह होती है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सिक्योरिटी चेक में। सिक्योरिटी चेक में अनफॉर्चुनेटली कैमराज अलाउड नहीं होते, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली, बट मैं आप लोगों को एक बार सिक्योरिटी चेक हो जाता है तो बताता हूँ कि एग्जैक्टली सिक्योरिटी चेक में होता क्या है, और उसके बाद आगे के स्टेप्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। Much later. दोस्तों, सिक्योरिटी चेक भी हमारा हो चुका है। तो सिक्योरिटी चेक में बेसिकली दोस्तों आप लोगों का जो हैंड बैगेज होता है उसकी स्कैनिंग होती है, और हैंड बैगेज में अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कैरी कर रहे हैं जैसे कि कैमरा, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, पावर बैंक्स वगैरह वगैरह, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामान है आपको बाहर ट्रे में निकाल के जो है एक्सरे मशीन में स्कैनिंग की जाती है। दोस्तों, सिक्योरिटी चेक के बाद आप पहुंचते हैं इस एरिया में। ये सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग गेट्स के बीच का एरिया है जो कि एक मॉल की तरह है। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन केस आपको कुछ खाने का मन हो तो यहाँ पे फूड कोर्ट भी है। सिक्योरिटी चेक के बाद अगर आपकी फ्लाइट के बोर्डिंग में समय बचा है तो आप या तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी तरह एयरपोर्ट के लाउंज में भी कुछ समय बिता सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड है जिस पे एयरपोर्ट के लाउंज का एक्सेस है तो आप मात्र 2 रुपए पे करके लाउंज की अमेजिंग सर्विसेज और यहाँ पे मिलने वाले अनलिमिटेड बुफे का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, मात्र 2 रुपए पे करके जो है आप लाउंज की सर्विसेज यूज कर सकते हैं, और आप लोगों ने देखा है कि सर्विस कितनी अमेजिंग है। दोस्तों, एक बार आपने यहाँ पे शॉपिंग एरिया में शॉपिंग कर ली या फिर खाना वाना खाना है तो आपने फूड कोर्ट या लाउंज में जो है खाना खा लिया, और जब आपके फ्लाइट के बोर्डिंग का टाइम हो जाता है तो अगला स्टेप जो होता है आपका वो होता है फ्लाइट बोर्ड करने का। उसके लिए आपको जाना पड़ता है बोर्डिंग गेट्स पे जहाँ से आप फ्लाइट जो है अपनी बोर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको अपना बोर्डिंग पास चेक करना है। आपके बोर्डिंग पास पे जो है 2 चीज़ें मेंशन होती है, एक तो टाइमिंग की किस टाइम से बोर्डिंग शुरू हो रही है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है बोर्डिंग गेट। शॉपिंग एरिया में जो है जगह जगह पे बड़े बड़े स्क्रीन्स भी लगे हुए हैं जिसमें जो है फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है अलॉन्ग विद दी बोर्डिंग गेट, और किस टाइम पे जो है आपकी फ़्लाइट बोर्ड हो रही है सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। आप चाहे तो स्क्रीन्स पे भी जो है, यहाँ पे जो स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, उन पे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके फ्लाइट का जो बोर्डिंग टाइम क्या है या फिर बोर्डिंग गेट कौन सा है जहाँ से आपकी फ़्लाइट बोर्ड हो रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक बार जब आप श्योर हो गए कि आपको किस बोर्डिंग गेट पे जाना है, उसके बाद जो है आप यहाँ से निकलेंगे इस एरिया से बोर्डिंग गेट की तरफ। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है आपका, ये शॉपिंग वाला एरिया, सामने से जो है आप चेक इन करके आते हैं, सॉरी सामने से जो आप सिक्योरिटी चेक करके इस एरिया में पहुँचते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जो है एग्जैक्टली फूड कोर्ट और लाउंज वगैरह जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे है, और नीचे वहाँ जो उस साइड आप लोगों को देख रहे होंगे लोग जो है काफ़ी उस साइड जा रहे हैं, वो जो है एरिया वहाँ से जो है बोर्डिंग गेट्स जो है स्टार्ट होते हैं, उधर से हम लोग जाना है बोर्डिंग गेट्स की तरफ। तो अब चलते हैं बोर्डिंग गेट्स की तरफ दोस्तों, और वहाँ पहुँच के मैं आगे आप लोगों को क्या क्या करना होगा वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। दोस्तों, सामने आप लोग देख सकते हैं साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। लेफ्ट, अगर आपके 37 से 62 के बीच में बोर्डिंग गेट है तो लेफ्ट जाना है, और 27 से 36 के बीच में आपका बोर्डिंग गेट नंबर है तो आपको राइट जाना है यहाँ से। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डेस्क भी बना हुआ है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी सवाल हो तो आप जो है इस इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी तरह से आपके ट्रेवल्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों, पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कुछ बोर्डिंग गेट्स, इन बोर्डिंग गेट्स के थ्रू जाके आपको जो है अपनी फ्लाइट बोर्ड करनी होती है। बोर्डिंग गेट्स पे जो है दोबारा से आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाता है, और उसके बाद जो है आपको एंट्री मिलती है फ्लाइट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे चेयर्स वगैरह काफ़ी सारी लगी है। ये एरिया भी काफ़ी बड़ा है, आप चाहे तो अगर आपके फ्लाइट को बोर्डिंग में टाइम है तो यहाँ बैठ के आप वेट भी कर सकते हैं।
एयरक्राफ्ट में एंटर करने से पहले एयरलाइन स्टाफ आपका बोर्डिंग पास फिर से चेक करते हैं, जिसके बाद आपको एयरक्राफ्ट के अंदर एंट्री मिलती है। एरोप्लेन में सीट्स के ऊपर ओवरहेड बिन होता है, जिसमें आप अपना कैबिन बैगेज रख सकते हैं। ओवरहेड बिन्स के ऊपर ही सीट नंबर भी मेंशन होता है, जिसको चेक करके आप अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप एयर होस्टेस या क्रू मेंबर को संपर्क कर सकते हैं। फ्लाइट के लैंड करने के बाद अगर आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है तो आपको डोमेस्टिक ट्रांसफर्स की तरफ जाना होता है, जहां से आप अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और पहला लेग जो है हमारी जर्नी का कंप्लीट हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है बैंगलोर एयरपोर्ट का टर्मिनल 2। यहीं से जो है हमें अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है। कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के लिए जो है आपको अपनी फ्लाइट से, जब आपकी फ्लाइट लैंड करती है जिस भी एयरपोर्ट से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है, वहाँ से जो है आपको एक डोमेस्टिक ट्रांसफर्स होते हैं, उसके थ्रू जो है आप बोर्डिंग जहाँ से होती है, डिपार्चर्स जहाँ से फ्लाइट डिपार्चर्स होती है, उस एयरपोर्ट से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जो एरिया है ये बैंगलोर एयरपोर्ट का, जैसा कि मैंने बोला कि ये डिपार्चर वाला एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक इन काउंटर्स है, बट आपको दोबारा चेक इन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने दिल्ली में ऑलरेडी चेक इन हमारा हो चुका है। बट यहाँ पे जो है दोबारा से इस एयरपोर्ट पे हमारा सिक्योरिटी चेक होगा, तो सिक्योरिटी चेक हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे चल के फिर हम लोग को कनेक्टिंग वाली फ्लाइट बोर्ड करनी है। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। तो दोस्तों सिक्योरिटी चेक भी हमारा हो गया है बैंगलोर एयरपोर्ट पे। वंस अगेन यहाँ पे सिक्योरिटी चेक के बाद जो है आपका एक शॉपिंग वाला एरिया, वहाँ पे पहुँचेंगे। अगर आपके फ्लाइट के बोर्डिंग में टाइम है तो कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ खाने का मन हो तो खा सकते हैं। यहाँ पे भी आई एम श्योर एक लाउंज होगा, फूड कोर्ट भी है। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं, बट प्रोसेस जो है जनरली सेम है। इसके बाद जो है अगला स्टेप होगा आपको कनेक्टिंग फ्लाइट बोर्ड करने का। कनेक्टिंग फ्लाइट चल के बोर्ड करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। दोस्तों दोपहर के 2 बज चुके हैं और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कोची एयरपोर्ट पे। फ्लाइट हम लोग की थोड़ी सी डिले हो गई थी, 1-1.5 घंटे के आसपास डिले हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। बट फिलहाल एक बार जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो उसके बाद जो आपका अगला स्टेप होता है, आपका इनफैक्ट वो आखिरी स्टेप होता है, वो होता है आपको अपना चेक इन बैगेज कलेक्ट करना। उसके लिए आपको आना होता है बैगेज क्लेम एरिया में, जहाँ से आपका चेक इन बैगेज मिलता है। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे बैगेज बेल्ट्स दिखेंगे। जब एयरपोर्ट पे आपकी फ़्लाइट लैंड होगी तो एयर होस्टेस जो है अनाउंस करते हैं फ्लाइट में कि कौन से बैगेज बेल्ट से आप अपना चेक इन बैगेज कलेक्ट कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली वहां से जाके अपना चेक इन बैगेज कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार दोस्तों आपने अपना चेक इन बैगेज कलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद जो है आपकी हवाई यात्रा कम्प्लीट हो जाती है। उसके बाद आप एयरपोर्ट से एग्जिट करके और टैक्सी वगैरह हायर करके आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछिएगा, मैं आप लोगों को इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो से वैल्यू मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।